यूपी के सुल्तानपुर जिले में ब्लॉक प्रमुखी चुनाव को लेकर 14 ब्लॉकों में से 6 सीटों पर निर्विरोध नामांकन दर्ज हो गया है, जिसमें से 5 सीटों पर भाजपा ने अपना परचम लहराया है तो एक पर आजादी के बाद से लगातार भद्र परिवार में से ब्लॉक प्रमुखी सीट पर दबदबा कायम हो गया है। उम्मीद तो ये भी है कि 9 जुलाई को देर शाम तक और भी सीटों का निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख होने की खबर आ सकती है। बहरहाल जिले के 14 ब्लॉकों में नामांकन कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हो गया है, जिसमें से 5 सीटों पर एक एक नामांकन हुआ है। जिले में निर्विरोध होने वाले ब्लॉकों में कादीपुर से वर्तमान प्रमुख व भाजपा नेता श्रवण मिश्र के करीबी दिलीप कुमार, अखंड नगर ब्लॉक से भाजपा विधायक राजेश गौतम की पत्नी करिश्मा गौतम, मोतिगरपुर ब्लॉक से चंद्र प्रताप सिंह उर्फ चंदर और कूरेभार से रीना सिंह पत्नी नवनीत सिंह, इनके साथ साथ भदैया से राजेंद्र कुमार वर्मा निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। गौरतलब है कि कूरेभार ब्लॉक प्रमुख पद के लिए भाजपा समर्थित प्रत्याशी रीना सिंह पत्नी नवनीत सिंह उर्फ सोनू ने अकेले नामांकन दाखिल किया। देखा जाए तो नवनीत सिंह के परिवार का कूरेभार ब्लॉक प्रमुखी में दबदबा कायम है। आज पूरे भारत में कहां चुनाव में पत्नी ने किया है जी, पर आपका क्या है, बीडीसी के कितना समर्थन है? दरअसल इस समय भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पूरे प्रदेश में आप देख रहे होंगे, सब भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान है और हमारे बहुत से प्रत्याशी निर्विरोध हो रहे हैं। आप बड़े पदाधिकारी हैं, ऐसे में सुल्तानपुर जिले में कितने सीटें निर्विरोध? हमारे यहाँ हमको लगता है कि आज 11 सीट तो हो ही जाएगी, 14 में 11 सीटें निर्विरोध हो जानी चाहिए। चुमा जी, आज आपने यहाँ अखंड नगर ब्लॉक में अपना 3 सीटों में आपने पर्चा दाखिल किया है, पर्चा दाखिल करके आप ब्लॉक प्रमुख बनने की जो आपकी होड़ है या आपके जो सपने हैं, उन सपनों के माध्यम से आप आम जनता को क्या राहत देंगी, क्या योजनाएं हैं आपकी? मेरी योजना है गांव में अच्छा विकास हो, अच्छा कार्य हो और सबका आशीर्वाद लेके हम और आगे बढ़ें। आज तक भारत के लिए सुल्तानपुर से सुनील राठौर के साथ अनुराग द्विवेदी की रिपोर्ट।